हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मस्ती विद अभिषेक में। दोस्तों, आज हम 12वीं का ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, इंग्लिश का ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो कि आज के एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइस गिवन। कहता है वी वॉक डॉट डॉट फूड, मतलब इसमें कौन सा आने वाला है ना, तो वी वॉक्ड है ना, ये क्या हो जाएगा, वाक के साथ कौन सा आएगा, तो ये ऑन आ जाएगा ना, वी वॉक ऑन फुट है ना, तो ये क्या हो जाएगा, फुट हो जाएगा, वी वॉक ऑन इसमें कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा है ना। उसके बाद दोस्तों देखेंगे, इमली लेफ्ट स्कूल डैश द एज ऑफ 16 है ना, इमली लेफ्ट स्कूल डैश द एज ऑफ 16, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा स्कूल के साथ कौन सा आने वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऐट हो जाएगा ना, स्कूल के साथ ये ऐट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि डू नॉट ओपन द टीन ए नाइफ, मतलब इसमें कौन सा आने वाला है, तो इसमें हो जाएगा टीन के साथ कौन सा आने वाला है, तो यहाँ पे विथ आने वाला है ना, यहाँ पे इसमें विथ आने वाला है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक किप्ट मी अवेक है ना, तो इसमें कौन सा आने वाला है, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक किप्ट मी अवेक, ये ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा, आई वॉज किप्ट अवेक बाई द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक। उसके बाद दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू ड्राइव होम। टू ड्राइव होम का फ्रेज इसमें चुनना है दोस्तों है ना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, टू इम्फे साइज हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू इम्फे साइज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड। तो इसमें चुनना है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको 6 का बी हो जाएगा ना, 6 का इसमें हो जाएगा टू डू द राइट थिंग्स हो जाएगा ना, इसमें क्या चुनना था, फ्रेज को चुनना था, टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टॉम प्ले हॉकी ही प्लेज क्रिकेट। टॉम प्ले हॉकी ही प्लेज क्रिकेट, तो इसमें हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों, टॉम प्लेज हॉकी एज वेल एज क्रिकेट है ना, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इज देयर लाइफ ऑन अदर प्लांट्स वी डोंट नो एज एट, इसमें भरना है दोस्तों, तो इसका 8 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा है ना, वी डोंट नो एज एट वेदर देयर इज अ लाइफ ऑन अनदर प्लैनेट्स। उसके बाद दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना है, तो इसका एक्सेसरी ये इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑप्शन है ना, डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इंसू ड्रीम्स ऑफ डांस ए पॉप स्टार, तो इसका क्या हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बींग हो जाएगा ना, अंसू ड्रीम्स ऑफ ब्रिंग हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, वी इंसिस्ट ऑन कुक द डिनर आवर सेल्फ्स, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वी इंसिस्ट ऑन कुकिंग द डिनर आवर सेल्फ्स। उसके बाद दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, इट इज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू डैश देयर पीपल्स लाइफ बेटर,
इसमें क्या हो जाएगा, इट इज़ नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू बी मेड देयर पीपल्स, यानी कि इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, आई वेटेड फॉर हिज कॉल बट ही डैश नो कॉल, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा, है ना, ही डिड नो कॉल हो जाएगा। यहाँ पे डी हो जाएगा, आई वेटेड फॉर हिज कॉल बट ही डिड नो कॉल। उसके बाद दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ही वांट्स टू बी केम, इसके साथ क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा ना, इंजीनियर, है ना, ही वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एन आने वाला है ना, यहाँ पे एन आने वाला है, इंजीनियर के साथ कौन सा वर्ड आने वाला है, तो एन आने वाला है। उसके बाद ही वाज डिवाइडेड डैश अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन, तो इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आने वाला है, तो यहाँ पे टू आने वाला है ना, टू डिवाइडेड के साथ क्या होगा, टू होगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे, यू डैश टेल मी द ट्रूथ, तो इसके साथ कौन सा हो जाएगा, मस्ट, यहाँ पे मस्ट आने वाला है, यू के साथ कौन सा आने वाला है, मस्ट, यू मस्ट टेल मी द ट्रूथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, चूज द करेक्टली स्पेल्ड, इसमें करेक्टली चुनना है दोस्तों, तो करेक्टली क्या हो जाएगा, फॉरेन है ना, तो इसमें बी हो जाएगा दोस्तों, फॉरेन है ना। उसके बाद देखेंगे क्रिकेट वाज प्लेइंग, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द गर्ल, तो इसमें क्या हो जाएगा, द गर्ल्स वी आर प्लेइंग क्रिकेट, गर्ल्स वी आर क्या हो जाएगा, द गर्ल्स वी आर प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों है, इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू रियलाइज हाउ मच दिस सेफ्टी मीन्स इज टेकन फ्रॉम डैश, तो 19 का क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, इसमें आवर ऑन सिविलाइजेशन हो जाएगा ना। उसके बाद 20 का देखेंगे, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट लियोन एब्सेंस माइंडनेस इज क्या हो जाएगा, इसमें ऑर्डिनरी हो जाएगा ना, माइंडनेस इज ऑर्डिनरी हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट लैंड एब्सेंट माइंडनेस इज ऑर्डिनरी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, फॉरगेटिंग इज रिटन बाय, मतलब ये किसके द्वारा लिखा गया, फॉरगेटिंग है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, रॉबर्ट लियन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, वर्ड्स कंपेयर टू डेफोडिल्स विथ द स्टार्स बिकॉज दे आर डैश, है ना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, न्यूमेरस होने वाला है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, इन व्हाट वेज डज द पोएट कंसीडर हिमसेल्फ कनेक्टेड टू इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड में वो कैसा थी अपने आप को फील करता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ मेंटली एंड फिजिकली हो जाएगा ना। उसके बाद 24 का देखेंगे, डैश द सिंगिंग विल नेवर बी डन इज टेकन फ्रॉम, मतलब इसके साथ क्या आने वाला है दोस्तों, तो इसमें क्या आने वाला है, एवरी अनसंग है ना, एवरी अनसंग इसमें आने वाला है। उसके बाद देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हु इज कंसिडरेड डेविड प्राइमरी गुड इन्फ्लुएंस, तो 25 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे बी हो जाएगा ना, एजनेस हो जाएगा। उसके बाद हाउ डज डेविड एंड अप एट मिस वेटेसी है ना, तो 26 का क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, ही रन्स अवे फ्रॉम मर्डस्टोन्स वाइन
बॉटलिंग बिजनेस। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हु सर्वाइव्स एट द एंड ऑफ द नोवेल डेविड कॉपरफील्ड। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इमेली, स्टेट फोर, डोरा, नॉन ऑफ दीज, इसमें नॉन ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट काइंड ऑफ फादर इज मिस्टर मॉडस्टोन। तो मतलब मिस्टर मॉडस्टोन के फादर कैसे थे, किस प्रकार के थे, तो इसमें क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा क्रूएल, है ना, क्रूएल थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, द पोएट एड्रेसेस हिज डैश इन द पोएम इफ। तो ये किस पे था, तो ये सन पे था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, द ट्रूथ इज टू बिग फॉर एनी वन ऑफ अस टू अंडरस्टैंड हैज बीन टेकन फॉर्म, यानी कि ये कहाँ से लिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका गुड मैनर्स, है ना, गुड मैनर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, गुड मैनर्स। दोस्तों अब हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे, उससे पहले मैं आपको फिक्स प्रीपोजिशंस के बारे में भी बता दिए हैं, यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाएगा, है ना। दोस्तों फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोज को देखेंगे, चैप्टर और किसके द्वारा लिखा गया, यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछता है दोस्तों। तो आवर ऑन सिविलाइजेशंस के, मतलब आवर ऑन सिविलाइजेशन किसके द्वारा लिखा गया है, तो सी एम जॉर्ज के द्वारा। उसके बाद विद द फोटोग्राफर स्टेफन लियोकॉक। उसके बाद है गुड मैनर्स के किसके द्वारा लिखा गया है, तो जेसी हिल, वन लेटर राइटिंग एजी गार्डिनर। उसके बाद फॉरगेटिंग के लेखक कौन है, तो रॉबर्ट लियन हो जाएगा। उसके बाद रॉबिन के कौन हो जाएगा, जिम कॉर्बेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों पोएम देखेंगे, पोएम देख लीजिएगा, द डेफोडिल्स इको इफ द लैक इज ऑफ इंस्पिरी एडल स्टॉप एवरी अनसैंग द सोल्जर्स, है ना। ये सब मतलब किसके द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट ब्रूक, ये सब देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों, हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे, व्हाई डू सम पीपल फॉरगेट टू टेक मेडिसिन, या व्हाई डू सम पीपल नॉट रिमेंबर फॉर टेक मेडिसिन। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। सम पीपल फॉरगेट टू मेक मेडिसिन बिकॉज द पिल्स आर बिटर, मोस्ट ऑफ द पीपल टेक देम अनविलिंगली, एल्थोंग, इट इज ईजी टू टेक मेडिसिन आफ्टर बिफोर मील, बट वी टेक फूड एंड फॉरगेट टू टेक मेडिसिन। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लीजिएगा, व्हाट डिड द ऑथर थिंक अबाउट हिज फेस, और मैं चर्चा करता हूँ, व्हाट डज जेसी हिल से अबाउट ट्रूथ, ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख करके ही जाइएगा, व्हाट डज जेसी हिल से अबाउट ट्रूथ। और उसके बाद हो गया, व्हाई वाज लेटर राइटिंग डन मोर मेटिकुलसली इन द पास्ट, या व्हाई वाज लेटर राइटिंग डन मोर केयरफुली इन द पास्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, इसलिए इसे आप अच्छा तरह से देख करके जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। उसके बाद ये देख लीजिएगा, व्हाई डू सम पीपल हैव डिफिकल्ट इन राइटिंग लेटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, सम पीपल हैव डिफिकल्टी इन राइटिंग लेटर्स बिकॉज दे कैन नॉट एक्सप्रेस द एटमोसफियर इन विच दे लाइव दे लिव थ्रू वर्ड्स, दे डू नॉट हैव द आर्ट ऑफ द सेल्फ एक्सप्रेशंस एंड दस इट इज डिफिकल्ट फॉर देम। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना। उसके बाद है, व्हाट अकॉर्डिंग टू जेसी हिल्स आर गुड मैनर्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे, व्हाई आर ऑर्डर एंड सेफ्टी नेसेसरी फॉर सिविलाइजेशंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल ही आने वाली है, आज जो एग्जाम होने वाली है उसमें यह सब क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेगा। उसके बाद है दोस्तों, हाउ
हैड द फोटोग्राफर अरेंज हिज स्टूडियो, मतलब ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद दोस्तों देखा जाए तो सो योर एक्विटेंस विथ एनी वन पोएम्स, ये पोएम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, द डैफोडिल्स। दोस्तों चार पोएम्स आएगा जिसमें से आपको एक पोएम्स को लिखना है, द डैफोडिल्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो इसे आप लोग अच्छी तरह से देख करके जाइएगा। और ये एक ये पोएम है द लैक इज ऑफ इंस इनिस्फ्री, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों।